नमस्कार जय हिंद साथियों। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, सिंधु सभ्यता के समकालीन तमिलनाडु में लोहा कालीन स्थल प्राप्त हुए हैं और यह एक इतिहास की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। और आजकल परीक्षाओं में भी आपसे जो लेटेस्ट जो खुदाइयां होती है वे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, स्थल पूछे जाते हैं कहां से क्या प्राप्त होता है। अभी तक हम ये मान रहे थे कि जो लोहा काल है ये लोहा काल वैदिक संस्कृति के बाद प्रारंभ होता है, लेकिन अब ये आंकड़े जो है वो और भी पीछे चले गए हैं, अर्थात हड़प्पा सभ्यता के समय चले गए हैं। जो हड़प्पा सभ्यता कांस्य सभ्यता थी तो उसके समय एक लोहा सभ्यता भी थी जो तमिलनाडु में थी और आज हम उसी पर हम चर्चाएं करेंगे। जी हाँ, हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के समय। जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता के समय तमिलनाडु में भी लोहा युग, अर्थात तमिलनाडु के अंदर भी लोहा युग था, सिंधु घाटी के समकालीन था। जी हाँ, हम बात करते हैं चेन्नई। नए साक्ष्यों से पता चला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समांतर तमिलनाडु में लोहा युग की सभ्यता थी। तूतीकोरिन नाम को याद रखना, तूतीकोरिन जिले के शिवकलाई से खुदाई में मिली वस्तुएं 2500 से 3000 ईसा पूर्व की है, अर्थात कब की है, 2500 से 3000 ईसा पूर्व की है। ये जो पंक्ति है ये बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता 3300 से 1300 ईसा पूर्व थी, क्योंकि जब हम सिंधु सभ्यता की बात करते हैं प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा इसे जो बांटा गया है, हम बात करते हैं एक है प्राक हड़प्पा। प्राक हड़प्पा की जब बात की जाती है तो 3500 से 2600 ईसा पूर्व, और हड़प्पा की जब बात की जाती है हड़प्पा 2600 से 1900 ईसा पूर्व थी, और इसके बाद उत्तर हड़प्पा की जब बात की जाती है तो उत्तर हड़प्पा का जो समय था 1900 से 1300 ईसा पूर्व था। जी हाँ, 1300 ईसा पूर्व था। तो और उसी समय की क्या है, उसी समय की ये लोहा संस्कृति है। आगे है कृष्णागिरी जिले के नमूनों की पिछली डेटिंग से पता चला है कि 2172 ईसा पूर्व, अर्थात 2172 ईसा पूर्व के थे। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंसेज लखनऊ और फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद ने 2500 और 3000 ईसा पूर्व के बीच की समान तारीखें बताई हैं, जो तमिलनाडु में सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता की ओर इशारा करती है, अर्थात ये सिंधु सभ्यता के समकालीन की ओर इशारा करती है। और ये भारत में एक बहुत बड़ी एक खोज है जो एक बहुत पीछे ले जाती है। अभी तक हम मानते थे कि जो लोहा युग जो भारत के अंदर प्रारंभ होता है वो 1000 ईसा पूर्व में प्रारंभ होता है, लेकिन इस खोज ने उसको बहुत बदल दिया है, अर्थात ये बहुत पीछे जा चुका है लोहा काल। ठीक है, तमिलनाडु के पुरातात्विक विभाग के वरिष्ठ शैक्षणिक और अनुसंधान सलाहकार तमिल अनुसंधान सम्मेलन में हालिया पुरातात्विक जांच और तमिल संस्कृति पर इसके प्रभाव पर प्रस्तुत पेपर में यह जानकारी दी है। प्रोफेसर राजन ने कहा है जब सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान लोग तांबे की वस्तुएं, अर्थात सिंधु घाटी के समकालीन जब लोग तांबे की वस्तुओं का उपयोग कर रहे थे, यहां के लोग लोहे की वस्तुओं का उपयोग कर रहे थे, क्योंकि जो ये कांसा है ये तांबा प्लस टिन को मिलाकर बनता है। जब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उस समय तांबे का प्रयोग में ले रहे थे, उस समय यहां के लोग लोहे को प्रयोग में ले रहे थे। अब चुनौती यह साबित करने के लिए लोहे की भट्टियों को खोजने की, लोहे की वस्तुओं का उत्पादन यहां किया गया था। अब बात यह है, यहां से लोहे के हमें साक्ष्य तो प्राप्त हो जाते हैं जो कार्बन डेटिंग के अनुसार, कार्बन 14 के अनुसार समय का पता लगाया जाता है, जो एक वैज्ञानिक विधि है जिसकी खोज अमेरिका के रसायन शास्त्री वी एफ लीवी ने 1946 में की थी।
तो उसके अनुसार ये तो पता चल जाता है ये हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है। लेकिन अब एक जो बहुत बड़ी चुनौती है वो चुनौती ये है कि यहां पर लोहे की भट्टियां थी या नहीं, अब यहां पर लोहे की भट्टियों को खोजना का काम जारी है। जी हाँ, शोधकर्ताओं ने राज्य में उपलब्ध भित्ति चित्र चिन्हों का दस्तावेजीकरण पूरा कर लिया है। तमिलनाडु ने 10,000 से अधिक भित्ति चित्रों के निशान खोजे हैं। कितने? 10,000 भित्ति चित्र खोजे हैं, जो भित्ति चित्र पर्वतों में या पत्थरों पर बने हुए थे, ठीक है, खोजे हैं, जबकि देश के बाकी हिस्सों में इससे कम पाए गए हैं। हम बात करते हैं तमिलनाडु ने जो भित्ति चित्र हैं वो कितने खोजे हैं, 10,000, लेकिन देश के अन्य हिस्सों में 10,000 से कम ये भित्ति चित्र पाए गए हैं, लेकिन तमिलनाडु ने इतने भित्ति चित्र खोज लिए हैं। तो इतिहास की दृष्टि से एक बहुत बड़ी ये एक खुदाई है। जी हाँ, क्योंकि लोहा काल जो अभी तक उत्तर वेदी काल में जो प्रारंभ होता था अब वो काफी पीछे जा चुका है। जी हाँ, अब वो काफी पीछे जा चुका है, हड़प्पा काल के समकालीन इसे माना जाता है और बहुत बड़ी ये खुदाई है और आज की ही ये न्यूज है। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद।